आज हम लोग देखते हैं डेडलॉक किसे कहते हैं, डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक मींस आपका सेट ऑफ प्रोसेसेस जब वर्क करना चाहता है और उसको कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, बट वो क्या होता है कि काम पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि क्यों काम पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट एक प्रोसेस को है वो उसको पूरा नहीं, रिसोर्स सारा रिसोर्सेज उसे नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा, उसको कुछ रिसोर्सेज तो मिल गया बट कुछ रिसोर्सेज वो क्या है, जो इतना हो चाहिए वो दूसरे प्रोसेस के पास है, और जो दूसरे प्रोसेस को पास है और वो भी काम पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि जो और उसको और रिसोर्सेज चाहिए जो तीसरे प्रोसेस के पास है। तो इस तरह का क्या होता है, एक साइकिल फॉर्म हो जाता है। यानी कि अगर जब तीसरा प्रोसेस के पास है और जो तीसरा प्रोसेस के पास है वो भी, तीसरा प्रोसेस भी अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी उसको और भी कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जो चौथे प्रोसेस के पास है। ठीक है, अगर हम चार ही प्रोसेस मान के चले कि चार प्रोसेस है, P1, P2, P3, और P1 को क्या है, P1 को आपके पास R1 है, P2 के पास R2 है, P3 के पास R3 है, P4 के पास R4 है, लेकिन P1 के पास R1 तो है लेकिन उसको R2 भी चाहिए, जो कि किसके पास है, P2 के पास है। P2 के पास R2 तो है लेकिन P2 को R3 भी चाहिए, जो P3 के पास है। P3 के पास R3 तो है लेकिन उसको R4 भी चाहिए, जो कि P4 के पास है। और P4 के पास R4 तो है लेकिन उसको क्या चाहिए, R1 चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह का एक साइकिल फॉर्म हो जाता है। साइकिल फॉर्म होने के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाता है। जब आगे नहीं बढ़ पाता है तो वो वहीं पे रुक जाता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो डेडलॉक इसका एक एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम में बनाया मैंने, P1 P2 P3 का R, जिसके पास P1 के पास R1 है, R2 है, इसके पास R3 है। जब इसके पास रिसोर्सेज जो हेल्ड रहता है उसको हम इस तरह के आरो से डिनोट करते हैं। P1 के पास R1 है, P2 के पास R2 है, P3 के पास R3 है, लेकिन P1 को क्या चाहिए, R2 चाहिए, P2 को क्या चाहिए, R3 चाहिए, और P3 को क्या चाहिए, R1 चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेड। यहाँ देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, यहाँ पे प्रोसेस PI है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। PI जो है रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है, रिसोर्स के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ग्रांट करता है रिसोर्स प्रोसेस को, तो वो क्या करता है, उस रिसोर्स को यूज करके उसको रिलीज कर देता है, और रिलीज होकर वो रिसोर्स फिर कहाँ आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। या ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट तो कर रहा है लेकिन वो उसको ग्रांट नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होता है, डिले में चला जाता है। डिले में जाता है तो उसको कहते हैं ब्लॉक स्टेट में। ब्लॉक स्टेट में जाने के कारण क्या होता है, उसको कहते हैं स्टार्वेशन। स्टार्वेशन अगर बहुत लॉन्ग हो गया या इनफाइनाइट टाइम के लिए हो गया तो उसको हम डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ और हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे इसको बेस्ट। उसके बाद सपोज आपका ये क्वेश्चन दिया है कि आपके पास तीन प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, और उसको कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। P1 को चाहिए 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज, P3 को चाहिए 3 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज, और P1 को चाहिए 2, P2 को 3, और P3 को 4 यूनिट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि कितने यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज आप इसको आपके पास होने चाहिए ताकि ये जो है आपका सिस्टम डेडलॉक में ना जाए। इस तरह के क्वेश्चन को मिनिमम क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि कितने रिसोर्सेज चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है P1, P2, P3 की, डिफरेंट प्रोसेसेस की आपके, उसको हम लोग एक एक कम यूनिट दे देते हैं, पहले एलोकेट कर देते हैं। यानी कि अगर हमको P1 को 1 यूनिट दे दें, P2 को 2 यूनिट दे दें, और P3 को हम 3 यूनिट दे दें, तो 3, 2, 5, 1, 6। अब एक यूनिट भी अगर हमको मिल जाता है और ये एलोकेट कर दिया गया, P1 को 1, P2 को 2, P3 को 3, और एक यूनिट भी अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आपका कोई भी तीनों में से एक प्रोसेस जो है अपना काम पूरा कर सकता है। और जैसे ही एक प्रोसेस का काम पूरा हो जाएगा वो क्या करेगा, उसके पास जो जो एलोकेटेड रिसोर्सेज था वो भी वो रिलीज कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर ये इसको हमने 1 एलोकेट किया, इसको 2 यूनिट्स एलोकेट कर दिया, इसको 3 यूनिट्स एलोकेट कर दिया, और अगर इसमें 1 यूनिट हम इसको दे देते हैं या इसको 1 यूनिट मिल जाता है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, टोटल 2 यूनिट्स।
टू यूनिट्स हो गया, यहाँ पे इसको एक यूनिट और दिया गया, प्लस वन किया गया, तो ये क्या हो गया, टू यूनिट्स हो गया। जैसे इसका काम पूरा होगा ये रिलीज कर देगा दो यूनिट, पूरा दो, दो वन प्लस वन टू यूनिट हो गया, और टू यूनिट इसके पास जो आया वो इसका काम पूरा होने के बाद उसको रिलीज कर देगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हो जाएंगे, टू यूनिट, टू यूनिट है, इसको एक यूनिट और चाहिए, इसको भी एक यूनिट और चाहिए, तो इसको भी एक यूनिट मिल जाएगा, इसको भी एक यूनिट मिल जाएगा, और ये क्या करेगा, दोनों ही ये तीनों प्रोसेसेस P1, P2, P3 सभी अपना काम कंप्लीट कर सकता है। तो सिर्फ एक यूनिट और मिल गया, यानी कि 3, 2, 5, 1, 6 एलोकेट कर दिया पहले और एक यूनिट और हो गया, तो 7 टोटल इसका मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हमें, मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने चाहिए हमें, हो गए 7। ये कब चाहिए, इस सिचुएशन में, कि अगर उसको 2, 3, 4 P1, P2, P3 को कितना चाहिए था, 2, 3, 4 यानी कि 7 प्लस 2, 9 टोटल इसको चाहिए 9 यूनिट्स। अगर हम इसको अलग अलग 9 यूनिट देखें तो P1, P2, P3 तीनों को कितने यूनिट्स चाहिए, 2, 3, 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 यूनिट्स। लेकिन अगर हमारे पास मिनिमम अगर 7 यूनिट्स भी होगा रिसोर्सेज का, तो ये सेफ स्टेट में जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि एलोकेट करने का ये तरीका है, तो ये इसको पहले 1 यूनिट दे दिया गया, इसको 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट, और उसके बाद 1 यूनिट और दिया गया, तो ये वाला काम पूरा करेगा। ये काम पूरा जैसे कर लेगा तो ये इसके पास जो पहले से था और जो इसको मिला एक यूनिट हो गया 2 यूनिट, वो दोनों यूनिट को रिलीज कर देगा। दोनों यूनिट जैसे रिलीज होगा तो इसको भी एक यूनिट चाहिए, इसको भी एक और यूनिट चाहिए, तो दोनों को एक एक यूनिट मिल सकता है। तो जब जैसे ये दोनों को एक एक यूनिट मिल जाएगा, क्योंकि इसको 3 चाहिए, इसको इसको टोटल 3 चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको भी 3 हो जाएगा, इसको 4 हो जाएगा, और ये दोनों अपना अपना काम पूरा करके ये इसको ये भी 3 यूनिट रिलीज कर देगा, और ये भी 4 यूनिट रिलीज कर देगा। तो टोटल कितना हो गया मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, 7। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपका है P1, P2, P3, इसको चाहिए 2 यूनिट, इसको भी चाहिए 2 यूनिट, इसको भी चाहिए 2 यूनिट, टोटल कितना है, 6 यूनिट चाहिए। और इसमें भी कहता है आपका क्वेश्चन में कि मिनिमम कितने रिसोर्सेज आपके होने चाहिए कि ये सिस्टम डेडलॉक में ना जाए। ठीक, तो यहाँ अगर हम इसको एलोकेट कर दें 1, इसको भी एलोकेट कर दें 1, इसको भी एलोकेट कर दें 1, 1 क्यों कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एक एक कम यूनिट, एक एक यूनिट जितने इसको रिक्वायरमेंट है, यानी दो दो यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक यूनिट, इसको जितने, इसको जितने प्रोसेस, जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उससे एक यूनिट हम कम देते हैं, यानी कि एक इसको, इसको भी एक, इसको भी एक, और ये टोटल इसके चाहिए थे 6, लेकिन हम अभी हम हमने सबको दे दिया एक एक, अब सबको एक एक और यूनिट चाहिए, तो एक एक यूनिट और चाहिए, चाहने चाहिए। और अगर हम एक यूनिट और एक भी यूनिट, सिर्फ एक यूनिट भी अगर हम किसी प्रोसेस को दे देंगे, अगर P1 को दे दिए एक यूनिट, तो P1 आपका, P1 को एक और एक ही यूनिट और चाहिए थी, P1 को एक ही यूनिट और चाहिए ना, क्योंकि इसके पास एक यूनिट तो इसको एलोकेट कर दिया गया है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, और ये किधर क्या कर दिया गया, एलोकेटेड कर दिया गया। तो अभी लेकिन इसको चाहिए कितना, अब इसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। अगर हम एक यूनिट इसको दे देते हैं P1 को, यहाँ दे दिया गया P1 को एलोकेट किया गया एक यूनिट, तो P1 अपना, P1 के पास कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, 2 उसको चाहिए था, 2 उसको मिल जाएगा। जैसे ही P1 को 2 मिलेगा, P1 क्या करेगा, अपना काम पूरा कर लेगा और फिर उसको रिलीज कर देगा जो उसको रिसोर्स मिला। जैसे ये रिसोर्स रिलीज करेगा तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितना हो गया, 2,
और अभी हमको चाहिए भी, P2 को भी एक चाहिए, P3 को भी एक यूनिट और चाहिए, दोनों को एक एक यूनिट, और हमारे पास दो यूनिट अवेलेबल है, फ्री है, तो ये दो में से एक इसको दे दिया गया, एक इसको दे दिया गया, फिर ये भी अपना P2 भी काम पूरा कर लेगा, P3 भी अपना काम पूरा कर लेगा, और इस तरह से ये डेडलॉक में नहीं जाएगा। इसको हम कहते हैं सेफ स्टेट। इस केस में हमको मिनिमम हमारे पास कितने यूनिट्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हो गए, 4, सो दैट सिस्टम विल बी इन सेफ स्टेट। इन सेफ स्टेट, ठीक है, इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं ये सेफ स्टेट है। सेफ स्टेट कहने का मतलब है कि आपका प्रोसेस जो है इसमें, अगर इसको एक यूनिट भी मिल गया तो ये काम पूरा करते हुए उसको रिलीज कर देगा, फिर दूसरा प्रोसेस काम पूरा करेगा, फिर तीसरा प्रोसेस काम कर लेगा और डेडलॉक में नहीं जाएगा। और अगर इससे एक प्रोसेस, एक यूनिट भी अगर कम मिला, यानी कि अगर हमने 4 यूनिट नहीं दिया, 4 यूनिट से कम मिला या 4 यूनिट से थोड़ा भी कम हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, डेडलॉक। और 4 से या 4 से ज्यादा जितना भी दे देंगे आप, तो वो डेडलॉक में नहीं जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या कहेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज इसको 4 चाहिए, सो दैट सिस्टम विल बी इन सेफ स्टेट। इस केस में हमारा कितना आया था, 7। सेफ स्टेट में आने के लिए इसको चाहिए 7 यूनिट्स, लेकिन इसमें क्या चाहिए, 4 यूनिट्स। यहाँ टोटल इसको क्या रिक्वायरमेंट था, 9, लेकिन इसके मिनिमम रिसोर्सेज इसको अगर 7 भी दे दिया गया तो ये सेफ रहेगा। यहाँ पे अगर मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज 4 मिल गया तो ये सेफ रहेगा, और अगर 4 यूनिट से एक यूनिट भी कम हुआ तो वो डेडलॉक पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल करें मेरे आईडी पे shaheen.hera@gmail.com। मुझे आप मेल करें इस आईडी पे shaheen.hera@gmail.com, या कमेंट करें, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।